लखनऊ से बड़ी खबर, शिया वक्फ बोर्ड में बड़ा फेरबदल। वसीम रिजवी से छीना गया वक्फ बोर्ड चेयरमैन का पद, सैयद अली जैदी बने शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन। निर्विरोध चुने गए हैं अली जैदी। पिछले कई सालों से वसीम रिजवी थे चेयरमैन, 8 सदस्यों में 6 के वोट पाकर बने अध्यक्ष। वोटिंग के दौरान सैयद फैजी और वसीम रिजवी रहे गायब। नए चेयरमैन सैयद अली जैदी के समर्थकों ने बापू भवन के बाहर मनाया जश्न। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां शिया वक्फ बोर्ड ने अपना नया चेयरमैन चुन लिया है और इसी के साथ वसीम रिजवी को चेयरमैन पद से हटा दिया गया। अब शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद अली जैदी होंगे। जानकारी के मुताबिक सैयद अली जैदी को निर्विरोध चुना गया है। आपको बता दें कि पिछली कई बार वसीम रिजवी ही चेयरमैन बनते आ रहे हैं, लेकिन पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद से वसीम फरार हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।